मुशायरे की दुनिया में चमकता हुआ नया नाम उमर मीडिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अजीम शान मुशायरा एक शाम हारी उबैदुल्लाह के नाम बतारीख 3 मार्च 2019 मुकाम गांव पीरपुरा रोड की में मुनअक़िद किया गया जिसकी सदारत हाजी नसीम साहब ने की और जिसके शायरों का इंतखाब शायर अलीम वाजिद ने किया जिसके कन्वीनर कारी तंजीम साहब रहे और मुआविन कन्वीनर हाफिज उस्मान जमील। तमाम सामईन इकराम मौजूद शोरा हजरात अस्सलाम वालेकुम मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी उबैदुल्लाह साहब को और तमाम अराकीन कमेटी को। बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है आपने। दोस्तों अभी जब मैं नमाज पढ़ने गया यहाँ तो कुछ साथी कहने लगे कि कुछ ऐसे अशार पढ़ना जो दीन से मुतालिक हो जिसमें नबी की सीरत आ जाए, नबी ने जो हुक्म दिए हैं वो आ जाए। दोस्तों अक्सर जब हम किताब पढ़ते हैं, जब अहदीस पढ़ते हैं तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला का वाकया हम लोग देखते हैं कि कितनी शिद्दत के साथ उनको तकलीफ दी जाती थी। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला का वाकया पढ़ते हैं, उनकी कमर से जो चर्बी थी वो पिघल गई थी और उससे आग बुझाई गई। तमाम तर जब हम वाकया देखते हैं तो एक दिल चाहता है कि अगर मैं नबी के दौर में होता तो क्या मैं भी कुछ नबी के लिए करता। मेरे दिल में ये अरमान है और मेरे ही नहीं, मैंने तो सिर्फ नात के अंदर अपनी ये जज्बात को लफ्जों का पैराहन दिया है। हकीकत यही है हर मुसलमान के ये जज्बात होते हैं। अगर मैंने आपके जज्बात की तर्जुमानी की है तो फिर आप खामोश नहीं रहना, मैं शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा। अपनी आन रख दे शान रख देता, मुझे आपकी समातों पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह आप खामोश नहीं रहेंगे, सुनिएगा। अपनी आन रख देता, अपनी शान रख देता, क्या कहने हैं। अपनी आन रख देता, अपनी शान रख देता, अपनी आन रख देता, अपनी शान रख देता, अपनी शान रख देता, मैं शेर पढ़ता हूँ सुनिएगा भाई का, भाई का, भाई सुनिए। कर इशारा कर दे मुझको जान देने का, इशारा कर देते कर इशारा कर देते मुझको जान दे कर देते
एक जान देने का मुझको जान देने का क्या कहले गर इशारा कर देते मुझको जान देने का गर इशारा कर देते मुझको जान देने का एक रफी बड़ापुरी साहब ने